बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर इमरान अहमद है। मैंने कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट, यूएस बोर्ड सर्टिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट हूँ। और मैंने यूएसए, कनाडा, सऊदी अरबिया और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स में भी प्रैक्टिस की हुई है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के हवाले से मैं तमाम सॉलिड ट्यूमर्स देखता हूँ और सम लिक्विड ट्यूमर्स भी, लेकिन जिनाइटो यूरिनरी कैंसर में मेरी एक्सपर्टीज मौजूद हैं। इसमें प्रोस्टेट कैंसर शामिल है, मसाने का कैंसर शामिल है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज़ या गुर्दे का कैंसर, और इसके अलावा टेस्टिकुलर कैंसर। ये कैंसर जो हैं पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तादाद पेशेंट्स की कम है एज़ कम्पेयर टू जो अमेरिका, कनाडा में है। इनकी प्रोस्टेट कैंसर जो है वो मेन में सबसे कॉमन कैंसर है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में तकरीबन इसका जो रेशो है वो 5 से 6 पेशेंट पर 100,000 पॉपुलेशन में है। इन कैंसर्स की डायग्नोसिस जितनी अर्ली स्टेज में हो जाए उतना अच्छा है। तो इसके लिए ये है कि अगर जो पेशाब में तकलीफ़ अगर किसी को हो, मर्द को, और मुसलसल रहे या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनको चाहिए कि यूरोलॉजिस्ट से या जो पेशाब के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे राबता करें, और ताकि अगर खुदा न खास्ता प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट कैंसर है तो अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो। ये जो कैंसर्स होते हैं प्रोस्टेट के या गुर्दे के या मसाने या टेस्टिकुलर कैंसर, अगर इनकी अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए स्टेज 1 से 2 के दरमियान, तो इनका क्योर रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये फैल जाएँ तो फिर इनका क्योर रेट कम हो जाता है, और ज़्यादातर केसेस में बस कैंसर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसमें एहतियाती तदाबीर ज़्यादातर यही हैं कि खुराक जो है वो अच्छी होनी चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, ओबेसिटी या मोटापे से बचना चाहिए, बास कैंसर इससे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो उसकी कोशिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करें, अच्छी डाइट खाएँ और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह को अपनी डाइट में शामिल रखें। और उसके बाद अगर कुछ सिम्टम्स को अलामत ऐसी डेवलप हो जाएं, जैसे मिसाल के तौर पर पेशाब की तकलीफ़ है या पेशाब में खून का आना है या टेस्टिस का जो है वो साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में डॉक्टरों से ज़रूर रुजू करें। कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल में हर तरह की एक्सपर्टीज़ मौजूद है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे सर्जन्स भी मौजूद हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं, नर्सिंग स्टाफ है जो आपको एडवाइस करेंगे कि इस कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे की जाए अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर की डायग्नोसिस होती है। कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल में जो है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो और मकामी हस्पतालों के मुकाबले में कम कीमत पर की जाती है। यहाँ पर कुछ पेशेंट्स को जो है वो चैरिटीज़ भी अवेलेबल हैं, वेलफेयर की सपोर्ट भी अवेलेबल है, और ओवरऑल कॉस्ट जो है कैंसर ट्रीटमेंट की वो और जगहों से कम है। मेरी दुआ है कि कोई भी शख्स जो है वो इस डायग्नोसिस में की जदमन आए कैंसर की, और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इसकी कोई अलामत आती है और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ज़रूर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और जैसा कि मैंने बताया कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल में इसकी सहूलत मौजूद है। तो आई विश गुड लक टू एवरीबॉडी, इंशाल्लाह खैर, खुदा हाफिज़।